और अब जयपुर से खबर, जहां 15 अगस्त को भी शुरू नहीं होगा हीरापुरा बस टर्मिनल। अभी तक यात्रियों के लिए सिर्फ टिनशेड यहां लगे हैं, टिनशेड लगे हैं लेकिन कुर्सी और पंखे नहीं है, शौचालय बना है लेकिन नल नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस यात्रियों के लिए एसी हॉल, खाने पीने के लिए आउटलेट, हाईटेक टिकट विंडो जैसी सुविधाओं का वादा सिर्फ सपना ही दिखाई दे रहा है। 2014 में बस टर्मिनल बनाने की घोषणा हुई थी, जनहित का एक और सरकारी प्रोजेक्ट प्रशासन और ठेकेदारों की लेट लतीफी का शिकार हो रहा है। अधूरे काम और अव्यवस्थाओं के बीच बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे शुरू होगा ये बस टर्मिनल। वादा वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का है, हकीकत है कि बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं है। अभी बस टर्मिनल के नाम पर भी संशय है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई थी इस बस टर्मिनल की शुरुआत करने के लिए और कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आगे और कितना समय लग जाए इसका भी अंदाजा नहीं। आप बिल्कुल मनीषा, देखिए 2014 में प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी, जनहित का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी जो 15 अगस्त है वो फाइनल की गई थी कि इस बस टर्मिनल का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भी पहले तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जो जमीनी हकीकत जब वहां जाकर देगी तो अभी तक वहां पर यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है, पंखे नहीं है, सिर्फ टिनशेड लगा के उसको छोड़ दिया गया है। और अभी जिस तरह से जब मौके पर जाकर देखे तो किसी तरह की जैसे युद्ध स्तर पर 15 अगस्त को शुरू होगा इस तरह की कोई तैयारियां नहीं दिखी, बल्कि खामियां इतनी दिखी, लग रहा है कि किसी तरह की तैयारी नहीं की जा रही है, क्योंकि जो सुविधाएं हैं, जो वॉशरूम्स हैं, वहां पर नल तक नहीं लगे हैं, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। इसके अलावा किस तरह से जो टिकट यहाँ पर कटेगा, जो आधुनिक टिकट काउंटर की बात की जा रही थी, टिकट काउंटर के लिए जगह तक नहीं बनी है। इसके अलावा जो फूड कोर्ट की बात की जा रही है तो वहां पर फूड कोर्ट के लिए भी निर्माण कार्य तक नहीं हुआ है, तो कहा जा सकता है कि सिर्फ अभी एक चार दीवारी वहां पर है, उसके बीच में टिन शेड बनाए हुए हैं। और जिस तरह से जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे पिछले 10 साल से भी लगातार यही कहा जा रहा था कि ये अत्याधुनिक जो हाईटेक मॉडर्न एक बस टर्मिनल होगा, जो एग्जाम्पल होगा बाकी जगहों के लिए भी, बाकी राज्यों के लिए भी, और राजस्थान में पहला इस तरह से जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उससे लैस टर्मिनल बनाया जाएगा। लेकिन ये लग रहा है कि जैसे 20-30 साल 50 साल पुरानी किसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया हो, इस तरह का वहां पर लग रहा है, किसी तरह की आधुनिक सुख सुविधा नहीं है, बल्कि जो पुरानी सुविधा ही नहीं है, क्योंकि पंखा नेसेसरी होता है, पंखा तक नहीं लगा है। और बड़ी बात यह है कि जो बस टर्मिनल है वो टिन शेड है, वो बिल्कुल खुला है, अगर बारिश आए तो बारिश में भी यात्री वहां पर बच नहीं सकते, सर्दी में भी वो अपना बचाव नहीं कर सकते, ना ही गर्मी में, यानी किसी तरह की सुविधाओं का वहां पर ध्यान नहीं दिया है। और आगे किस तरह से होगा इसको लेकर भी अभी तक किसी तरह का जो निर्णय है वो नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय है कि जो डेट दी हुई है ये जरूर आगे एक्सटेंड होगी। 15 अगस्त को किसी भी सूरत पर हीरापुरा बस टर्मिनल वहां पर शुरू नहीं होगा। और ये जो बस टर्मिनल है, यानी जो एक सरकारी प्रोजेक्ट है जनहित का, वो एक बार फिर से जो जो प्रशासन की लापरवाही और साथ साथ जो ठेकेदारों की लेट लतीफी है उसका शिकार हो रहा है। देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से और प्रशासन किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होता है और आगे इसको सही और जो सपना दिखाया गया था जनता को उस तरह से निर्माण किस तरह से करता है। लेकिन अभी तक ये 15 अगस्त को शुरू होगा नहीं, और अगर जल्दबाजी में शुरू करते हैं तो वो सुविधा ही नहीं मिल पाएंगी जिन सुविधाओं का वादा प्रशासन ने और जो आला अधिकारियों ने किए थे। चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी तक यात्रियों के लिए यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं नहीं हैं और ऐसे में प्रतीत तो यही हो रहा है कि 15 अगस्त को शुरुआत करने की जो बात हो रही थी ये निश्चित तौर पर और आगे तारीख जा सकती है।